गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, सो लेट स्टार्ट कंटिन्यू अवर सेकेंड चैप्टर, पर्सनलाइजिंग विंडोज 7. ओके, इन प्रीवियस क्लास आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट गेटिंग स्टार्टेड विथ विंडोज 7. ओके, components of windows 7 desktop, okay, and what is the components of desktop, how many types of components? 3 types. First, desktop background. Second, icons. And third, taskbar. Okay, so our next topic is start button. What is start button? It is the known as the gateway to Windows and its programs. It opens the start menu when we click on it. The start menu is divided into two panes, left pane and right pane. The left pane is used to access programs or to search files folder in the computer. Okay, the right pane give access to some common folders like document, pictures, music, computer, etc. Okay students, see, this is our cursor and this is the start button. Okay, this is the start button. Okay, see, there are two pane, first pane and second pane, right pane and left pane. Okay, the left pane is used to access program to search files and folder. Left pane, this is the left pane and this is the right pane. Left pane kya hota hai, किस लिए होता है? कोई भी फाइल्स को ओपन करने के लिए. ओके, किसी भी फाइल्स को, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए और यहाँ पे सर्च करने के लिए. फाइल और फोल्डर को हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं. ओके, सपोज दैट हमें अपना फोल्डर सर्च करना है JYOTI ज्योति. अगर हमारा फोल्डर इस सिस्टम में होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च करने पर शो हो जाएगा. क्लियर? सी, मेरा फोल्डर ऑलरेडी था सिस्टम में, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे. सो मेरे नाम के जितने भी फोल्डर्स थे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे. ज्योति सिंह 26 फैब, ज्योति सिंह. ओके, और जितने भी मेरे नाम की, इस नाम की जितनी भी फाइल्स होंगी और फोल्डर्स होंगे वो सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे. हम ईज़िली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपनी फाइल्स एंड फोल्डर को. क्लियर? ओके, दिस इज़ द लेफ्ट पेन एंड दिस इज़ द राइट. ओके, राइट पेन में क्या होता है? द राइट पेन गिव एक्सेस to some common folders like document, picture, music, computer, etc. Okay, see, document, pictures, music, computer, control panel, device and printers, default programs, okay, and help and support. Right pane में हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं, files and folders होते हैं. And left pane में क्या होती है? हमारी न्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ओल्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जिनको हम ईज़िली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं और ईज़िली हम ओपन कर सकते हैं. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज शो डेस्कटॉप बटन. विंडोज 7 प्रोवाइड्स अ न्यू फीचर्स कॉल्ड एरो पिक through which you can instantly minimize your entire screen to view the desktop. Okay, first point, place your mouse pointer on the show
desktop button on right corner of taskbar. All the open windows become transparent and you can instantly see the desktop. Okay, you can see the students एरो पिक क्या होता है, व्हाट इज़ एरो पिक? देखिए हमारी यहाँ पर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स ओपन हैं ये हमें ईजली क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं. ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मेरी पीडीएफ फाइल खुली हुई है, कितनी फाइल्स ओपन है, टू, वन एंड टू. तो मैं यहाँ पर इंस्टेंटली क्या कर रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि कितनी हमारी फाइल्स ओपन है, वन और टू, थ्री, फोर, ओके, कितनी भी हो सकती है. तो हम यहाँ से ईजली इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं. ओके, सपोज दैट हमें ये चाहिए ना, रॉन्ग फाइल ओपन हो गई, फिर हमें ये चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, इंस्टेंटली मिनिमाइज कर सकते हैं, इंस्टेंटली मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ओके, अब ये हमारी पीडीएफ फाइल हो गई, ये हमारी वर्ड की फाइल्स खुली हुई हैं, फोर, ओके, वन, टू, थ्री एंड फोर. सो हमें सपोज दैट एक ही टाइम में फोर फाइल्स के अंदर वर्क करना है, तो हम इंस्टेंटली इसको ओपन कर सकते हैं, फिर हमें नेक्स्ट शीट पे वर्क करनी है इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, फिर हमें नेक्स्ट फाइल पे ओपन करना है तो हम इसको भी क्लिक कर सकते हैं. ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम, एरो पिक. ओके, ये हमारी एक्सेल फाइल खुली हुई है, एक ही खुली हुई है, एक ही शो होगी, फोल्डर हमारा एक ही ओपन है तो एक ही शो होगा. ठीक है, जितनी भी फाइल्स खुली होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर्सर के थ्रू शो हो जाएगी. ओके ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन टू व्यू द डेस्कटॉप. Each windows minimize in the task bar. इस पॉइंट्स में ये डिस्क्राइब किया गया है कि हमें सपोज दैट डेस्कटॉप को देखना है तो हम ये फाइल्स को मिनिमाइज़ करेंगे और ये हमारा डेस्कटॉप शो हो जाएगा. उसके बाद हमारी जो भी फाइल्स ओपन हुई रहती है डेस्कटॉप पे, उसको जब हम मिनिमाइज़ करेंगे तो वो कहाँ पर मिनिमाइज होगी, आके टास्क बार में. ठीक है, टास्क बार में वो फाइल शो होगी. ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉक. ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार करंट डेट एंड टाइम इज डिस्प्लेड व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन इट. इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, योर कंप्यूटर कीप्स द डेट एंड टाइम अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल बैटरी इनसाइड इट. ओके, सी, दिस इज द डेट एंड टाइम. ठीक है, ये क्या शो रहा है, टाइम, और ये डेट 23:30, यानी अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:13. ओके, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, क्लियर. सो 23 एंड अ हाफ हो रहा है, इट मींस कि 11:30 बज रहा है. डेट क्या है अभी, 19/5/2020. ओके, सो ये हमारा टास्क बार है और टास्क बार के अंदर ही ये क्या शो हो रहा है, हमारा डेट एंड टाइम. ओके, नेक्स्ट, टू अपडेट डेट, स्टेप वन, क्लिक ऑन क्लॉक इन द नोटिफिकेशन एरिया टू ओपन कैलेंडर एंड क्लॉक. ओके, ये मैं आपको साथ साथ करके प्रैक्टिकली दिखा भी रही हूँ, सो लिसन केयरफुली एंड वॉच. ओके ओके, हाउ टू अपडेट डेट एंड टाइम. ओके, सो क्लिक डेट एंड टाइम. क्लिक करने के बाद क्या होगा, सेम यहाँ पे हमारी वॉच एंड, दिस इज द वॉच
and this is the कैलेंडर. ओके, ये हमारी वॉच एंड कैलेंडर ओपन हो गया है. क्लियर. स्टेप टू क्या है? क्लिक चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग टू ओपन डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स. अब डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग. ओके, इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे क्या खुल के आ गया, डेट एंड टाइम क्लॉक. ये क्या है? चेंज डेट एंड टाइम. ओके, चेंज टाइम जोन. क्लियर. अब हमें जोन तो चेंज नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, अपने टाइम को और डेट को मॉडिफाई करना है. सो क्लिक चेंज डेट एंड टाइम. इस पर क्लिक करने के बाद क्या ओपन हो गया? अगेन हमारा कैलेंडर एंड वॉच ओपन हो गए. अब हम डायरेक्टली यहाँ से टाइम को चेंज कर सकते हैं. सपोज दैट 11:33 हो रहा है एंड 57 सेकंड हो रहा है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे डेट, पहले हम डेट को चेंज कर लेते हैं, डेट कर देते हैं 21st. ओके, एंड टाइम कर देते हैं हम यहाँ पे, टाइम क्या कर देते हैं, हम यहाँ से चेंज कर देते हैं 11:30 बज रहा था, हम यहाँ पे क्या बजा देते हैं 6:30. ओके, यहाँ पे हमने टाइम चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने ओके कर दिया और यहाँ पे भी ओके कर दिया. ओके, यू कैन सी यहाँ पे हमारा टाइम एंड डेट चेंज हो गया. अब यहाँ टाइम क्या हो रहा था, 11:30 और 11:35 हो गया था. ठीक है, डेट क्या थी, 19/5/2020. अभी डेट यहाँ पे क्या है, 21/5/2020 और टाइम क्या हमारा, 6:35. ओके, अब हमें फिर से डेट को अपना जो अभी करंटली डेट है उसको हमें चेंज करना है. तो हम फिर से क्या करेंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे. अगेन क्लिक चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग. ओके, अगेन क्लिक चेंज डेट एंड टाइम. अब यहाँ पर हम टाइम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं और डेट को भी हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं. ओके, यू कैन सी टाइम भी हो गया 11:30 हो गया और डेट भी जो थी हमारी करंट डेट वही यहाँ पर शो हो गई. ओके, अब सपोज दैट कि हमें ये देखना है कि 2018 में, ठीक है, 2018 में और जुलाई मंथ में फर्स्ट संडे कब था. हमें 2 साल पहले का डेटा चेक करना है. तो कैसे चेक करेंगे, 2 साल पहले का बहुत टाइम होता है 2 साल. तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर पे क्लिक करेंगे और कहाँ पर जाएंगे, 2018. अब कहाँ जाएंगे, जुलाई. जुलाई में हमारा फर्स्ट संडे कब था, 1 जुलाई को ही हमारा फर्स्ट संडे था. ओके, अब हमें ये देखना है कि 15 अगस्त कौन सी डेट को, सॉरी कौन सी डे को पड़ा था. 15 अगस्त डे कौन सा था, वेडनेसडे. ओके, इस तरीके से हम अपने डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं. अपने अकॉर्डिंग हम डेटा को, प्रीवियस डेटा को, डेट और टाइम को हम फाइंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार रिपीट कर रही हूँ. ओके, हमारा डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए, डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन द क्लॉक एंड टाइम. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग. ओके,
एंड थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक चेंज डेट एंड टाइम. ओके, और फोर्थ स्टेप क्या है, अगर हमें टाइम चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे. ओके, और अगर हमें डेट चेंज करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.